हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं आप लोगों को बता रहा था। अब आज के लेक्चर में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बचा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसको देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उसी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखेंगे हॉलो स्फीयर का, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे कैसे क्या है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। देखो बच्चों, हॉलो स्फीयर का मतलब क्या, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब जिसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज फैला हो। जैसे उसके अगर किसी भी स्फीयर के ऊपरी सरफेस पे चार्ज फैला होता है तो उसको हॉलो स्फीयर या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर कहते हैं। तो मान लीजिए कोई हॉलो स्फीयर दिया गया है इस प्रकार से, ये देखिए ये हॉलो स्फीयर दिया है। इस हॉलो स्फीयर के ऊपरी सरफेस पे देखो ये चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है, ये ऊपरी सरफेस पे इसके चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूट है, ये देखिए ऊपरी सरफेस पे। और इसका रेडियस जो दिया गया वह कैपिटल आर दिया गया है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ये चार्ज अपॉन कितना हो जाएगा 4πr², या q इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr². याद रखिएगा, अगर हॉलो स्फीयर होता है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। अगर हॉलो स्फीयर होता है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा वह q अपॉन 4πr² हो जाएगा, या q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr². अब इसमें तीन केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है। तीन केस में, पहला आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर, और दूसरा जो है स्फीयर के सरफेस पे, और तीसरा जो है स्फीयर के अंदर। ये तीनों केस में क्या होगा, कैसे होगा, इनको एक ही जगह पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला केस यहां आपको आउटसाइड बताना पड़ेगा, ये देखिए आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब आर इज ग्रेटर देन आर। देखिए आउटसाइड, आउटसाइड क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है भाई, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आउटसाइड क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बाहर की तरफ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आओ इसको देखते हैं। तो चलो बच्चों देखो, ध्यान दो, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज इक्वल टू 1/4πε₀ q/r² होता है बाहर की तरफ, ध्यान दीजिएगा q/r², और सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में कितना होता है, देखिए q की जगह हम क्या रखेंगे सिग्मा 4πr², तो q की जगह अगर रखते हैं सिग्मा 4π, देखिए सिग्मा 4πr² अपॉन 4πε₀r², देखिए 4π कट गया, तो सिग्मा r² अपॉन क्या हो गया ε₀r², ये देखिए ये हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आउटसाइड, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आउटसाइड, जरा इसको भी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, v इक्वल टू 1/4πε₀ q/ कितना हो जाएगा r, ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा बाहर की तरफ, क्यों ये तो होगा बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई, सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखिए 1/4πε₀ q/r, सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में क्या हो जाएगा, तो q की जगह अगर रखेंगे आप q की जगह ये देखिए सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन 4πε₀r रखेंगे, 4π से 4π कट गया, सिग्मा r² अपॉन ε₀ क्या हो जाएगा r, ये देखिएगा ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। फार्मूला याद रहे बेटा, क्योंकि फार्मूले से ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देते हैं सरफेस पे, सॉरी सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो चलो भाई सरफेस पे देखते हैं जरा, सरफेस पे, सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस का मतलब ये, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा सरफेस पे जरा देखते हैं। तो सरफेस पे बच्चों देखो, सरफेस पे क्या होगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सरफेस का मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r, यानी e इक्वल टू 1/4πε₀ q/ कितना r² हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सरफेस पे, q की जगह आप क्या रखेंगे सिग्मा इंटू 4πr²
क्यू की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर। तो चलिए क्यू की जगह सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर रख देते हैं। ये देखिए सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, देखिए फोर पाई कट गया, सिग्मा अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, हो गया कि नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू क्यू बाई आर हो जाएगा, ये देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। क्यू की वैल्यू रखिए सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये देखिए आर है ना, तो सिग्मा आर अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, सरफेस पे जो पोटेंशियल वो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब आते हैं जरा इनसाइड देखते हैं क्या है, इनसाइड देखते हैं क्या है, इनसाइड तो इनसाइड का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो चलिए इनसाइड जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड। तो इनसाइड देखिए देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, बताओ भाई क्या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, नहीं कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो ये देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इन देखिए जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल होगा सेम एज सरफेस, देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, पोटेंशियल क्या होगा सेम एज सरफेस, मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर पोटेंशियल होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल क्या होता है अंदर होता है, यानी सेम एज सरफेस, जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर पोटेंशियल होगा, सेम एज सरफेस, सरफेस की तरह। तो सेम एज सरफेस का मतलब, सेम एज सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए सेम एज सरफेस का मतलब वी इन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और ये देखिए सिग्मा आर अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर की तरफ पोटेंशियल होगा। याद रखना बाहर की तरफ जो पोटेंशियल होता है बी आउट सिग्मा स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेंटर से दूरी होता है, सेंटर से जहां तक भी हो जाए, ठीक है। और सरफेस पे जो होता है सिग्मा स्फीयर की रेडियस अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये अंदर की तरफ क्या हो गया, ये पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में भी और चार्ज के केस में भी। अब इसी में बच्चों यही जो है इसका ग्राफ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर और पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ कैसे होगा, चलो आओ देखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड आर और पोटेंशियल और आर के बीच का ग्राफ क्या होगा, चलिए भाई तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे होगा। देखो भाई ग्राफ कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चलना है तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर पे पूरा पॉजिटिवली चार्ज है आपका, ये देखिए कंडक्टिंग स्फीयर पूरा पॉजिटिवली चार्ज इस प्रकार से फैला हुआ है, और ये देखो ऐसे हो गया, हो गया ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब देखते हैं अंदर की तरफ क्या होगा, ये बताइए अंदर की तरफ का मतलब क्या, ये आर लेस देन आर हो गया और ये आर ग्रेटर देन आर हो गया, ठीक है। तो ये बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है भाई, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी ई इन क्या है, जीरो है, और बाहर की तरफ क्या है, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर है, बताइए ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये बताओ इस एक्सिस पे कौन है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
बोलिए भाई, इस एक्सिस पे ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इन जीरो है, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये देखिए बाहर की तरफ होगा, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, ये देखो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, ऐसे ही है ना, ये इस प्रकार से चार्ज ऐसे फैला हुआ है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा, आइए चलिए जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया और ये एक्सिस पे आर है कि नहीं, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बताइए, वी इन जो है वह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये देखो इसका इस प्रकार से होगा, होगा कि नहीं, और बाहर की तरफ वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो बाहर की तरफ वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसका मतलब कैसे ग्राफ होगा, ये देखो ऐसे, यानी आउट जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। अंदर की तरफ देखिए कांस्टेंट होगा और वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वी और आर के बीच का ये देखिए ग्राफ हो गया, वी और आर के बीच का, और ये देखिए ई और आर के बीच का इस प्रकार से ग्राफ हो गया, ठीक है, क्लियर है कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरफ। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है, अब नॉन कंडक्टिंग में भी दो प्रकार के केस आते हैं बेटा, एक अंदर की तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो और एक अंदर की तरफ अगर चार्ज का वेरिएशन हो, अंदर की तरफ चार्ज का अगर वेरिएशन हो तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो कैसे इनके केस आते हैं, आइए चलिए इनको जरा देखा जाए, कैसे इनके केस आते हैं आइए चलिए इनको देखते हैं। चलो भाई अब कैसे इनके केस आते हैं इनको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर था, अब यहां पे क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मतलब ये देखिए पूरा चार्ज इसमें फैला हुआ है, ये यूनिफॉर्मली, ये क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है पूरा चार्ज फैला, और यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है, ध्यान दीजिएगा रो इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, या क्यू इज इक्वल टू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये देखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आता है क्यू इज इक्वल टू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया क्यू, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब देखिए क्या क्या कैसे कैसे इसमें केस होंगे, कौन से केस होते हैं भाई, इसमें भी आपके वही सारे केस अप्लीकेबल हैं। चलिए आउटसाइड देखते हैं, आउटसाइड का मतलब आर इज ग्रेटर देन आर, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ई आउट वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, बताओ भाई ये तो होगा। अब क्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू अगर रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रखते हैं तो फोर पाई कट जाएगा, क्यू की जगह अगर रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू की जगह रखते हैं तो रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, चार पाई कट गया, रो आर क्यूब अपॉन थ्री, रो आर क्यूब अपॉन देखिएगा रो आर क्यूब अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, रो आर क्यूब अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक है समझ रहे हैं ना बाहर की तरफ, ये देखिएगा रो आर क्यूब अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, फार्मूले याद रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे जो फार्मूले से रिलेटेड होंगे, और अगर नहीं याद रहेंगे तो नहीं हो पाएंगे। बाहर की तरफ जब भी निकाला जाएगा तो याद रखिएगा रो, ये देखिएगा स्फीयर के रेडियस का क्या क्यूब अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट स्फीयर के रेडियस का क्या स्क्वायर। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जाए, ये देखिए वी आउट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई देखिए आर हो जाएगा, हो जाएगा जरा क्यू की वैल्यू रखते हैं, क्यू की वैल्यू रखेंगे रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अगर रखते हैं, ये देखिए अगर इसकी वैल्यू रखते हैं रो इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो फोर पाई तो कट जाएगा
तो क्या हो जाएगा, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखिए बाहर की तरफ क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। बोलो भाई आ गया कि नहीं। अब इनसाइड सरफेस पे देखते हैं, कहां देखते हैं, सरफेस पे। चलिए भाई सरफेस, सरफेस का मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। चलिए सरफेस पे यहां देखते हैं, सरफेस पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो ई सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, कितना हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा सरफेस पे। बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या हो जाएगा कैपिटल आर, मतलब इसका रेडियस आर हो गया और सरफेस पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सॉरी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए क्यू की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और वी सरफेस पे कितना हो जाएगा, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर हो जाएगा। चलिए क्यू की वैल्यू है कितनी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अगर रखते हैं तो ये देखिए रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आता है, आता है कि नहीं, यानी रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये सरफेस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है भाई अब चलते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे यही अगर क्या होता है इनसाइड होता है, इनसाइड क्या होता है, इनसाइड आर लेस देन आर, ये देखिए इनसाइड आर लेस देन आर क्या होता है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है। ये देखिए क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है, अंदर की तरफ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब होता है, या क्यू की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो देखिए अगर क्यू की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये देखिए आर क्यूब कट जाएगा तो क्या आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर की तरफ याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखिए आर होता है, देखिए है कि नहीं ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर होता है। और इसी आधार पे एक बात ध्यान देना, अंदर की तरफ पोटेंशियल भी जीरो नहीं होता है, यानी वी इन जो होता है ये देखिए वी इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2 आर क्यूब होता है। ये देखो अंदर की तरफ पोटेंशियल, अंदर ये देखिए अंदर की तरफ जो वेरिएशन होगा सेंटर से, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब होता है। ये देखिएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कितना होता है 2 आर क्यूब होता है। ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, ये वेरिएशन होता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए रो इंटू यानी क्यू की जगह अगर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये तो 4/3 यानी क्या आएगा रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट और ये होगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है भाई समझ रहे हो ना, अगर रो की जगह हम रखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब रखते हैं तो ये देखिए रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये अंदर की तरफ क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इसमें एक और केस आता है, सेंटर की तरफ पोटेंशियल आता है, सेंटर भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा एक और केस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेंटर की तरफ इसमें पूछा जाता है। तो सेंटर क्या होता है, तो देखिए सेंटर, सेंटर का मतलब जहां स्मॉल आर क्या हो जीरो हो, तो सेंटर पे क्या होगा जहां स्मॉल आर जीरो है, तो ये देखो स्मॉल आर जीरो है तो स्मॉल आर अगर जीरो है, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रखते हैं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह क्या होगा, ये देखिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब यहां पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां सबसे ज्यादा होता, मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां सबसे ज्यादा होता है। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी नॉट कहा जाए, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर है, तो अभी देखो सेंटर पे कितना होगा वी सेंटर, वी सेंटर स्मॉल आर जीरो हुआ, स्मॉल आर जीरो हुआ, देख रहे हो स्मॉल आर जीरो हुआ, तो ये देखो स्मॉल आर जीरो होगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3/2, ये देखना 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बाई आर या 3/2 वी नॉट या 1.5 वी नॉट हो जाएगा। ये देखिएगा 1.5 वी नॉट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो सेंटर पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। और एक बात याद रखिएगा, सेंटर टू सरफेस, मतलब ये सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करता है, नॉन लिनियरली डिक्रीज करता है। और जब हम बाहर जाते हैं तो रेक्टेंगुलर वेरिएशन पोटेंशियल का होता है, जब बाहर जाते हैं तो रेक्टेंगुलर वेरिएशन पोटेंशियल का होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब इसका भी हम लोग ग्राफ जरा देख लेते हैं, ग्राफ क्या है, कैसे है, ठीक है। चलो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, क्या है, कौन सी चीजें हैं, ठीक है भाई। तो चलो ग्राफ देखते हैं, इसका भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ छोटी छोटी बातें। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे होगा इसको अब देख लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ कैसे होगा, तो देखो भाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ कैसे होगा, ये देखो। ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देख लेते हैं, ये देखो पूरा चार्ज अंदर की तरफ फैला हुआ है कि नहीं भाई, पूरा चार्ज जो है वह अंदर की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो सेंटर है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये देखिए आर लेस देन आर और आर ग्रेटर देन आर, चलिए भाई देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ तक होगा ना, यहाँ तक ये हो जाएगा। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन, देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो चलो भाई देख लो बाहर की तरफ क्या है, तो ये देखो कैसे वेरिएशन होगा सेंटर टू, यहाँ अगर हम सरफेस जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे वेरिएशन होगा। तो सेंटर टू सरफेस जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। सेंटर टू सरफेस अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इंक्रीज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इंक्रीज और देन डिक्रीज, फिर उसके बाद क्या करेगा, रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा सेंटर टू सरफेस तक, ठीक है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या ग्राफ होगा देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या ग्राफ होगा। तो देखो भाई ये आपका एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिएगा एक यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्वेश्चन बनता है, एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्वेश्चन बनता है, दोनों को ध्यान से देखना। ठीक, अभी नॉन यूनिफॉर्मली वाला भी हम बताएंगे कि कैसे वेरिएशन होगा, तो उसमें हम किस चीज पे केयर करेंगे और क्या चीज हम उसमें फाइंड करेंगे, ठीक है ना, उसमें भी देखेंगे। तो ये देखो अब इस पे अगर देखना है तो ये इसका सेंटर है, ये देखो ऐसे इस प्रकार से है, ये तो है, ये सेंटर है। तो ये देखो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, 1.5 वी नॉट होता है। फिर यहाँ आएंगे तो 1.4 होगा, फिर यहाँ आएंगे तो 1.2 वी नॉट होगा। सरफेस पे जाते हैं तो वी नॉट होता है, सरफेस के बाहर वी नॉट बाई टू होगा, वी नॉट बाई थ्री होगा, वी नॉट बाई फोर होगा, ऐसे होगा, ऐसे पोटेंशियल होता है। मतलब सेंटर पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, और सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल याद रखिए धीरे धीरे डिक्रीज करता है, सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है और बाहर रेक्टेंगुलर वेरिएशन होता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें कैसे हो जाएगा, क्या चीज हो जाएंगी। आर लेस देन आर हो गया, आर ग्रेटर देन आर हो गया, तो चलो भाई सेंटर टू सरफेस क्या हो जाता है, सेंटर टू सरफेस, तो सेंटर टू सरफेस यही तो है सेंटर टू सरफेस, ठीक है। तो सेंटर टू सरफेस अगर यहां बनाएंगे, ये देखिए अगर इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये देखो ये ऐसे आ गया, देखो ये से यहाँ से सेंटर टू सरफेस आ रहे हैं कि नहीं, ये सेंटर टू सरफेस हो गया। और बाहर की तरफ क्या होगा, नॉन लीनियरली बाहर की तरफ क्या, ये डिक्रीजिंग हो गया, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ 1.5 वी नॉट है और ये जो है ये आपका वी नॉट है ना, वी नॉट। और बाहर की तरफ क्या होगा, ये देखिए बाहर की तरफ रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा, बाहर की तरफ रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा, क्यों भाई बाहर की तरफ जो वेरिएशन है वह कैसा है, रेक्टेंगुलर वेरिएशन है, किस प्रकार का है, रेक्टेंगुलर वेरिएशन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन हो गया। अब इसी में जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएशन वाला अगर कुछ आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए, अभी उस पर क्वेश्चन कहीं है,
नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएशन, क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए। अब क्या है, इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ठीक है वेरी अकॉर्डिंग टू आर इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये देखिएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी इनसाइड नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरी इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वेरी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कैसे क्या चीजें होंगी? तो वह इस प्रकार से रहेगा, मतलब वह इस प्रकार से रहेगा, या रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर नॉट रहेगा, ऐसे करके रह सकता है, कुछ भी होगा। मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, अंदर की तरफ जो चार्ज है, अंदर की तरफ जो चार्ज है वह असमान रूप से वितरित होगा, समान रूप से नहीं वितरित होगा, अंदर की तरफ जो चार्ज होगा वह असमान रूप से वितरित होगा, यानी आर के अनुसार, रो जो है आर के अनुसार वेरी करेगा। तो अगर रो आर के अनुसार वेरी करता है तो उस आधार पर देखना पड़ेगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। तो आइए चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, क्या चीजें और उस पर क्वेश्चन कैसे होंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे उसको फाइंड करेंगे देख लो। तो रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसके लिए देखिए ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो भाई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ तो वेरिएशन दिया होगा, तो मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज का क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएशन दिया है, और हमें यह भी देखना है कि कहां से कहां तक क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, किस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है ये भी देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, ये देखिए सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल एलिमेंट का ये एक स्फेरिकल सरफेस मान लेंगे, बहुत ही छोटा सा, ये देखिए dr है, सेंटर से आर दूरी पे dr है, बहुत ही छोटा सा है। और हम क्या करेंगे, इस dr में चार्ज का वेरिएशन निकालेंगे, dr में चार्ज का वेरिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो dr में चार्ज का वेरिएशन निकालेंगे, देखिए dr में चार्ज का वेरिएशन कैसे निकलता है, क्या चीजें होती हैं उसको, और फिर ये देखना है कहां से कहां तक चार्ज क्या पूछा है, कहां से कहां तक चार्ज क्या है पूछा है, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे, ये देखिए चार्ज देखिए कैसे निकालेंगे, चार्ज जहां से पूछा होगा आर वन से लेके आर टू तक, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। ठीक है, फिर रो, भाई रो दिया होगा कुछ ना कुछ तो रो दिया ही है, रो इंटू ये देखो 4πr² dr, मतलब है क्या 4πr² तो इस पूरे का सरफेस एरिया है, dr इसका क्या हो गया थिकनेस हो गया, तो dr और एरिया का मल्टीप्लाई क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डायमेंशनली निकल जा रहा है कि नहीं, q इक्वल टू आर वन से लेके आर टू तक रो इंटू 4πr² dr। तो ये देखिए चार्ज निकल जाएगा आपका, और जानते हैं कि ये सब चीजें गॉस थ्योरम के कारण आती हैं, सब चीजें किसके कारण आती हैं, गॉस थ्योरम के कारण आती हैं। तो अगर चार्ज निकल जाएगा, अगर चार्ज निकल जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी आराम से निकाल सकते हैं, अगर चार्ज निकल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए जहां से दिया गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E.4π, ठीक है E.4π जो भी दिया गया होगा, लिमिट जो भी दिया गया होगा E.4π, ये देखिए मतलब एरिया एक तरह से जितने एरिया में हमको फाइंड करना है, अब ये लिमिट रहेगा तभी, और ये Q/ε0 इसी को तो आप जानते हैं, और ये देखिए E.A कितना हो जाएगा, E.A Q/ε0, Q कहां से कहां तक होगा, ये देखो R1 से R2 रो इंटू 4πr² dr अपॉन क्या हो जाएगा ε0। ये देखो इस तरह से हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे जहां पे हमको फाइंड करना है।
तो रूल रेगुलेशन समझ में आ रहा है। अगर अंदर की तरफ असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो उसके लिए क्या करेंगे, एकदम सिंपल में बोलो मेरे साथ, ई डॉट एरिया, एरिया क्या, कहां तक, जहां तक वह चार्ज पूछा, जैसे आर वन तक पूछा, तो फोर पाई आर वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आर वन से आर टू, रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो ये उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखिए आर के अनुसार वेरी कर रहा है, ये दे रहा है q अपॉन पाई आर पे फोर स्मॉल r दे रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल R तो कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस होगा, पाई भी कांस्टेंट है, q चार्ज है पूरा वो भी कांस्टेंट है, तो रो देखिए स्मॉल r के अनुसार वेरी कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब अंदर की तरफ क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्मॉल r के अनुसार वेरी कर रहा है, ये देखिए अंदर की तरफ स्मॉल r के अनुसार ये वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रो इक्वल टू q अपॉन पाई आर पे फोर स्मॉल r। फिर आपसे क्या कर रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे, ये देखिए लिखा है पॉइंट P R1 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, यानी पॉइंट P जो है R1 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, मतलब क्या कहने का, मतलब कैसे डायग्राम बनेगा, अब ये देखिए ये इस तरह से अंदर की तरफ होगा और सेंटर से R1 डिस्टेंस पे यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये देखिए सेंटर से R1 डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं, यानी कि बहुत लगना सोचने और समझने लगना इसके लिए ना, कुछ नहीं, बिना सोचे समझे, देखो R1 डिस्टेंस पे है तो ये देखो इस पॉइंट P पे क्या होगा, EP यानी 4 पाई R1 का स्क्वायर, और ये देखो जीरो से आर वन रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिना सोचे समझे इसी काम को कर दीजिएगा, कहीं भी कुछ भी होगा, जितने डिस्टेंस, ये जितने डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये बाहर अगर रहता, हाँ तो एक चीज याद रखना, जैसे ये बाहर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो ये लिमिट बाहर तक नहीं ले जाते, हम कहां तक ले जाते, यहां तक ले जाते, मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब कह रहा कि फाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डिस्टेंस है जो स्फीयर के बाहर है, यहां है, तो ये तो आर वन स्क्वायर होता, लेकिन ये जो लिमिट है वह जीरो से लेकर कैपिटल आर तक ही जाता, यहीं तक जाता, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर अंदर है तब तो ठीक है, अंदर है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समान होगा, लेकिन अगर पॉइंट भी बाहर है, बाहर है तो ये देखिए ये तो ठीक है आर वन होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये वाला कहां तक होगा, जीरो से लेके आर तक ही होगा, क्योंकि हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, इस गोले के अंदर ही तो मिलेगा, बाहर तो मिलेगा नहीं, इस गोले के अंदर ही तो मिलेगा हमको, बाहर तो मिलेगा नहीं, तो ये ईपी फोर पाई आर वन स्क्वायर जीरो से आर वन रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, अब क्या करेंगे ईपी इंटू, ये देखिए ईपी डॉट फोर पाई आर वन स्क्वायर, रो है कितना, रो 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 क्या दिया गया, ये देखिए क्यू आर अपॉन पाई आर पे फोर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोले भाई क्या है, ध्यान दीजिए यहां क्या दे दिया गया है, ये इस प्रकार से क्यू आर अपॉन पाई आर पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो ये देखिए इसमें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अभी लिमिट भी है जीरो से लेके कहां तक, आर वन तक है, ये देखिएगा फिर क्या कट रहा है, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, कुछ और तो कैंसिल अभी नहीं हो रहा है, EP इक्वल EP इंटू कितना हो गया R1 स्क्वायर, आपका इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, देखिए इंटीग्रेशन में Q कॉमन ले लें, पाई R पे 4 कॉमन ले लें, अब क्या हो जाएगा R R कितना हो गया, ये देखिए R R हो गया R क्यूब डी आर, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा Q अपॉन पाई R पे 4 एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए R क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो R पे 4 अपॉन 4, और R पे 4 अपॉन 4 को फिर लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा R1 पे 4 अपॉन क्या 4, बोले भाई क्या आ गया ये, अब देखिए यहां से क्या है ये R1 स्क्वायर इससे एक कट गया, तो अब बताओ क्या हो गया EP P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R1 का स्क्वायर अपॉन R पे कितना,
फोर। बोलिए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं, बोलो बच्चों आ गया। तो समझ गए कहां पे क्या मेन काम करना है, क्या रिलेशन, ई डॉट एरिया, एरिया कहां तक, जहां तक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जीरो से लेके ये कहां तक, जहां तक चार्ज का वेरिएशन हो वहीं तक, रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये काम करना है, इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम कंसेंट्रिक स्फीयर का निकाल लेते हैं। कंसेंट्रिक स्फीयर आप लोग जानते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर, तो चलिए कंसेंट्रिक स्फीयर का जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया जाए क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर, चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक स्फीयर का मतलब गोले के अंदर एक गोला और हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे, क्या चीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर गोले के अंदर एक गोला हो तो उसका कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो पहले चार्ज के टर्म में फाइंड कर लेते हैं और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में फाइंड कर लेते हैं। ये देखो ये एक गोला है, देखिए इस प्रकार से गोला दिया है, इस गोले का रेडियस जो है वह आर वन है, इसका रेडियस आर टू है, इस पे चार्ज क्यू वन है, इस पे चार्ज क्यू टू है, देखिएगा इस पे चार्ज क्यू वन है और इस पे चार्ज क्यू टू है, और ये क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो कहां कहां बताना है, देख लीजिए एक पॉइंट ए है यहां बताना है, एक पॉइंट बी है यहां बताना है, एक पॉइंट सी है यहां बताना है, मतलब ठीक है कहां पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी जो है वह स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर टू इज ग्रेटर देन आर वन है, मतलब स्मॉल आर वेरी कर रहा है, पॉइंट बी कहां है, स्मॉल आर, ये देखिएगा पॉइंट बी कहां है, स्मॉल आर लेस देन आर टू और ग्रेटर देन क्या है आर वन है, पॉइंट ए कहां है, देखिएगा पॉइंट आर, ए आर लेस देन आर वन इज लेस देन क्या है आर टू है, पॉइंट ए जो है आर लेस देन आर वन लेस देन क्या है आर टू है, ये पॉइंट ए दिया गया है, ये पॉइंट ए दिया गया, मतलब पॉइंट ए पे स्मॉल आर आर वन से कम और आर टू से कम है, बी जो है आर आर वन और आर टू के बीच में है, सी जो है आर इज ग्रेटर देन आर टू इज ग्रेटर देन आर वन है। ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से ये तीन पॉइंट दिए गए, इन तीनों पॉइंटों पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बताना है, तीन पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए भाई तीन पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो कैसे है बताते हैं, आइए बताएंगे क्यों नहीं। तो सबसे पहले सी पॉइंट पे देखते हैं भैया, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे, ये बताओ सी पॉइंट जो है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से कितने पे, स्मॉल आर, और ये बताओ दोनों स्फीयर के बाहर है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू वन अपॉन स्मॉल आर और प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा। ये देखिए सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसे इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन स्मॉल आर और प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन स्मॉल आर, ये सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फिर सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन आर हो जाएगा। देखिए सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, बोले भाई सी पॉइंट पे आ गया कि नहीं, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ गया, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ गया। अब बी पॉइंट पे देखते हैं, चलिए भाई बी पॉइंट पे आ जाओ, भाई बी पॉइंट पे देखते हैं जरा, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई बी इक्वल टू, अब देखिए बी पॉइंट क्या है, इस गोले के अंदर है और छोटे वाले गोले के बाहर है,
तो चूंकि कंडक्टिंग स्फीयर सारा लिए है, नॉन कंडक्टिंग तो लिए नहीं है, सब कंडक्टिंग है, तो इसके कारण इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल आर तो वेरी कर रहा है ना, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught q1/r + 1/4 pi epsilon, और फिर बाहर वाले गोले के कारण क्या होगा, बाहर वाले गोले के कारण जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वी बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught अंदर वाले गोले के कारण, ध्यान दीजिएगा अंदर वाले गोले के कारण, अंदर वाले गोले के कारण ठीक है 1/4 pi epsilon naught q1/r है, और बाहर वाले गोले के कारण क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए बाहर वाले गोले, जो बाहरी गोले के सरफेस पे होगा वही यहां होगा, और अब बताओ बाहरी गोले के सरफेस पे है कितना, 1/4 pi epsilon naught q2/r2 हो जाएगा, बताइए भाई q2/r2 बाहरी गोले के सरफेस जो है 1/4 pi epsilon naught q2 कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा, क्लियर है। अब चलते हैं सी पॉइंट पे, देखते हैं कि क्या है, ये देखिए सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों ये बताओ सी पॉइंट जो है दोनों गोलों के अंदर है, अरे सब ए पॉइंट जो है दोनों गोलों के अंदर है, बोलो भाई ए पॉइंट जो है दोनों गोलों के अंदर है, बताइए है कि नहीं, तो ए पॉइंट जो है वह दोनों गोलों के अंदर है, तो याद रखिए ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यही तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ये देखिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा दोनों गोलों के कारण। और ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर पोटेंशियल होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर पोटेंशियल होगा, यानी ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर पोटेंशियल होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर पोटेंशियल होगा, यानी ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वह कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल 1/4 pi epsilon naught, देखिएगा ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा 1/4 pi epsilon naught q1/r1 प्लस जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो भी तो ए पॉइंट पे होगा, जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो भी तो यहां होगा, यानी 1/4 pi epsilon naught, ये देखो 1/4 pi epsilon naught q2 कितना हो गया, r2 हो गया, 1/4 pi epsilon naught q2 कितना हो गया, r2 हो गया, क्लियर है, 1/4 pi epsilon naught q2 कितना हो गया, r2 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया। तो क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट और ये सी पॉइंट ये सब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, जरूर समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, ठीक है, जरा सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में देख लीजिए, यही अगर सेम क्वेश्चन है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं सेम क्वेश्चन यही है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में है। तो चलो आओ देखते हैं, ये देखिए ये आपका एक गोला है जिसका रेडियस r1 है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है, दूसरा गोला है सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2 है, और ये r2 है। पहला आपको ए पॉइंट पे फाइंड करना है, ये वही है, दूसरा आपको बी पॉइंट पे फाइंड करना है, तीसरा आपको सी पॉइंट पे फाइंड करना है। तो चलिए भाई ए पॉइंट पे चलते हैं, ए पॉइंट पे क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, ये देखिए ए पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ए पॉइंट पे। तो ये देखो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बाहर की तरफ σr² / εr0 सेंटर से दूरी का स्क्वायर, याद है भाई, देखिए बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड σr² / εr0 सेंटर से दूरी का स्क्वायर, और बाहर की तरफ पोटेंशियल क्या है σr² / εr0, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है σr / εr है, यही तो है। इन तीन चार फार्मूलों का ही हमको यूज करना है। देखिए किसी गोले के बाहर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो σr² / किसी गोले के बाहर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो σr² / εr0 सेंटर से दूरी का स्क्वायर, देखिए सेंटर से दूरी का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है σr² / εr0 सेंटर से दूरी, σr² / εr0 सेंटर से दूरी, और अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह जीरो होगी, अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा σr² / εr0 होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले ए पॉइंट पे फाइंड कर लेते हैं, तो अंदर वाले स्फीयर के कारण क्या होगा σ1 r1 square upon epsilon naught
सेंटर से दूरी, ये देखिए सेंटर से दूरी कितना है, ए है ना इसका, और प्लस बड़े वाले गोले के कारण क्या होगा सिग्मा, ये देखिए आर टू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी बड़े वाले गोले का भी तो सेंटर यही तो है, सेंटर से दूरी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, बी ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सिग्मा वन और इसका रेडियस कितना होगा आर वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेंटर से दूरी ए, सिग्मा टू आर टू का स्क्वायर, बोले भाई सिग्मा टू आर टू का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेंटर से दूरी, ये देखिएगा ए पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। अब जरा बी पॉइंट पे आते हैं, यहाँ यही तो है बी पॉइंट, आइए पॉइंट बी पे आते हैं, चलो भाई पॉइंट बी पे आते हैं, आ जाओ पॉइंट बी पे देख लो, ये देखो इस पॉइंट बी पे आते हैं, तो पॉइंट बी पे आते हैं तो ये बताओ सेंटर से कितने दूरी पे है, ये बी दूरी पे है पॉइंट बी, बोलो भाई सेंटर से कितने दूरी पे है, ये देखिए सेंटर से बी दूरी पे पॉइंट बी है, भाई सेंटर से बी दूरी पे है ना पॉइंट बी, तो सेंटर से ये देखिए बी डिस्टेंस पे क्या है, ये बी है, तो पॉइंट बी पे अगर हम आते हैं तो पॉइंट बी पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट बी पे आते हैं, चलिए भाई पॉइंट बी पे देखते हैं, तो पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ई बी मतलब अंदर वाले गोले के कारण, ये देखिए अंदर वाले गोले के कारण, अंदर वाले गोले के कारण क्या होगा सिग्मा वन आर वन का एप्सिलॉन नॉट और सेंटर से दूरी, और बाहर वाले गोले के कारण जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा ये देखिएगा, पोटेंशियल सेंटर से बी डिस्टेंस पे है तो अंदर वाले गोले के कारण कितना होगा सिग्मा वन आर वन स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेंटर से दूरी प्लस, और ये बताइए बाहर वाले गोले के अंदर है तो बाहर वाले गोले के क्या है जो सरफेस पे होगा वही तो अंदर होगा, तो सरफेस पे कितना होगा सिग्मा टू आर टू अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यों यही तो होता है सरफेस पे, तो यही तो होता है सिग्मा टू आर टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सी पॉइंट पे चलते हैं अंदर की तरफ, चलो भाई पॉइंट सी पे चलते हैं, आ जाओ पॉइंट सी पे आ जाओ, चलो भाई पॉइंट सी पे आ जाओ, पॉइंट सी पे क्या होगा देखो भाई पॉइंट सी पे, तो देखो पॉइंट सी पे चलते हैं अंदर की तरफ, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों निकाल देते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ये देखो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, ये बताइए जीरो होगा कि नहीं, सबके कारण, इसके कारण भी जीरो होगा, इसके कारण भी जीरो होगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा सी पॉइंट पे, ये देखो पोटेंशियल जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर होगा, तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा वन आर वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस जो बाहरी गोले के सरफेस पे पोटेंशियल होगा, जो बाहरी गोले के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही तो अंदर होगा, जो बाहरी गोले के सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही तो अंदर होगा प्लस क्या सिग्मा टू आर टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो ये कंसेंट्रिक स्फीयर का केस हो गया, कंसेंट्रिक स्फीयर में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन होता है उसको हमने देखा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस की जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा इस पे। छोटी छोटी जितनी विशेष बातें मैंने बताया है उनको ध्यान रखेंगे आप लोग, छोटी छोटी बातों को। ठीक है भाई, चलिए छोटी छोटी विशेष बातों को ध्यान देते हैं। अब इसमें क्या है, ये देखिए कंसेंट्रिक स्फीयर है, ये तीन कंसेंट्रिक स्फीयर दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई कंपटीशन में आया भी है, इस पे प्लस सिग्मा है माइनस सिग्मा है प्लस सिग्मा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ये इनके नाम है, इनका जो रेडियस है वह ए दिया है, इनका जो रेडियस है वह बी दिया है, और इनका जो रेडियस है वह सी दिया है। करा तीनों गोलों पे पोटेंशियल ज्ञात करें, तीनों गोलों पे पोटेंशियल ज्ञात करें क्या होगा, तीनों गोलों पे पोटेंशियल ए बी सी पे पोटेंशियल ज्ञात करें क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए ए गोले पे पोटेंशियल ज्ञात किया जाए कि ए गोले पे पोटेंशियल क्या होगा, भाई तीनों गोलों पे पोटेंशियल करा ए पे बी पे और सी पे, तीनों गोलों पे पोटेंशियल कहा जा रहा है कि क्या होगा ए पे बी पे सी पे, ध्यान दीजिएगा ए पे बी पे सी पे तीनों गोलों पे आपसे पोटेंशियल कहा जा रहा है। तो चलिए भाई सबसे पहले पॉइंट ए पे चलते हैं, आ जाओ भाई पॉइंट ए पे चलते हैं, ये देखिए पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे क्या होगा, देखिए पॉइंट ए पे इसके कारण तो पोटेंशियल होगा ही, जो इसका पोटेंशियल होगा वो भी पॉइंट ए पे होगा,
जो इसका पोटेंशियल होगा वो भी पॉइंट ए पे होगा पोटेंशियल। तो चलिए पॉइंट ए पे पोटेंशियल देखते हैं। पॉइंट ए पे वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है सरफेस पे सिग्मा इंटू स्फीयर के रेडियस का, स्फीयर का रेडियस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बी वाले पे क्या होगा, माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सी वाले पे क्या होगा, सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी वाले पे क्या होगा, सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं पॉइंट बी पे आते हैं। ये देखिए पॉइंट बी, देखो पॉइंट बी पे आते हैं भाई, चलिए पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे क्या होगा, ये देखिए पॉइंट बी, देखिए पॉइंट बी पे आते हैं। अगर पॉइंट बी पे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण बाहर है और इसके अंदर है, तो इससे कितने दूरी पे है, इससे बी डिस्टेंस पे है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, माइनस बी के कारण खुद क्या हो जाएगा, बी के कारण सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बी। और सी का क्या हो जाएगा, सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए पॉइंट सी पे चलते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट सी है, ये जो सी है वह क्या है, इन दोनों गोलों के बाहर है, तो जो आउटसाइड पोटेंशियल का केस है वह दोनों गोलों के कारण होगा। और ये बताइए इस गोले के सेंटर से भी सी डिस्टेंस पे है, और बड़े वाले बीच वाले गोले के भी सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, सी डिस्टेंस पे है। तो चलिए सबसे पहले इस वाले गोले के कारण जरा सी पॉइंट पे पोटेंशियल देख लेते हैं। तो इस वाले गोले के कारण देते हैं, तो सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, बोलिए भाई यही तो हो जाएगा। इस वाले गोले के कारण कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, और प्लस सिग्मा सी अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। प्लस सिग्मा सी अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए प्लस सिग्मा सी अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। बोलो भाई बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब इसी में ये कहता है कि इफ ए वी ए इज इक्वल टू वी सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी और सी में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए ए और सी का पोटेंशियल अगर आपस में हम बराबर कर देते हैं, तो हमसे कहा जा रहा है कि ए और सी के पोटेंशियल अगर आपस में बराबर है तो सी ए ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, इसको आपको बताना है। तो अगर वी ए इज इक्वल टू वी सी है तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, इसको हमको बताना है। तो चलिए भाई अगर वी ए इज इक्वल टू वी सी होता है तो देखते हैं। तो ये देखो वी ए इज इक्वल टू अगर वी सी होता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, ए माइनस बी प्लस सी बचा, और ये देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, और ये प्लस सी हो गया। देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कट गया, कट गया कि नहीं। अब ये बताइए क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी या ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन सी, और ये देखिए प्लस सी हो गया, सी से सी कट गया। अब ये बताइए ए माइनस बी से ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी, बोलो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी हो गया। बोलो भाई सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, आ गया कि नहीं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। तो कंसेंट्रिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब बेटा इस पे देखिए जो गूगल ड्राइव है, उस गूगल ड्राइव पे आपका दो शीट जा रहा है, दो पेपर जा रहा है आपका, जेई मेन के टोटल पेपर चले जा रहे हैं और नीट वाले पेपर चले जा रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छे से भलीभांत सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल और ये सब मैंने क्या है सॉल्व कर दिया है, वो हमारे चैनल पे ही है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनको क्या है अच्छे से क्या लगाइएगा, फिर इनके जो डाउट होंगे उनको लाइव आके मैं क्या है क्लियर कर दूंगा। जेई मेन और नीट दो बहुत ज़्यादा है, बाकी और कुछ मत करिए, इसी को अच्छे से थियरी पढ़िए और उसको उन क्वेश्चनों को खूब अच्छे से लगा लीजिए, देखिएगा उन्हीं से आपका कल्याण हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत अच्छा होगा उसी से। तो ये आपका हो गया क्या कंसेंट्रिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसी में दूसरे चैप्टर में, देखिए पाँच लेक्चर में ये हमने ख़त्म किया, अब इसी में हम चलते हैं कैपेसिटर पे, क्या करते हैं कैपेसिटर अब स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर में देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है, मतलब कैपेसिटर में पहली चीज़ तो जनरल डिफ्रीशन एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल, ये सब आपको ध्यान देना है, पहली चीज़ ध्यान देनी है। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, दूसरा आपको टाइप ऑफ कैपेसिटर ध्यान देना है, पैरेलल की प्लेट कैपेसिटर जिनको कहते हैं उनको ध्यान देना। तीसरा कॉम्बिनेशन ध्यान देना है, और चौथा चार्ज का वेरिएशन ध्यान देना है। इससे ज़्यादा हमको कैपेसिटर में कुछ ध्यान नहीं देना है,
ठीक है ना, क्लियर समझ रहे हैं ना। इससे ज्यादा हमको कैपेसिटर में कोई चीज ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैपेसिटर में ध्यान देना है। तो अब देख लीजिए कैपेसिटेंस, अगला पार्ट कैपेसिटेंस। गूगल ड्राइव पे क्वेश्चन चला जाएगा, शीट चला जाएगा, कल तक कैपेसिटेंस खत्म कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। चलो भाई कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी के पांचवें लेक्चर में हम लोग हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस और याद रखिएगा, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी से 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 6 to 7 क्वेश्चन। और अगर जो थियरी हम पढ़ा रहे हैं और आए हुए जो प्रीवियस ईयर हैं उनके जो क्वेश्चन शीट आपको गूगल ड्राइव पे दिए गए हैं, लिंक में नीचे जाइएगा, गूगल ड्राइव का दिया होगा, ठीक है। तो उनको अगर आप लगा लेंगे तो बहुत है, सफिशियंट है, पर्याप्त है आपके लिए, उससे ज़्यादा। और पूरा 2019 और 2020 जे भी अपडेट हो गया है, मतलब उसमें 2020 जे की जो परीक्षा है वहाँ तक मैंने अपडेट कर दी है। और जे नीट 2 सफिशियंट है, पर्याप्त है, एकदम लगा के जाइए, 100% मिलेगा, ये विश्वास करिए, उन्हीं में से मिलेगा, उसी तरह का मिलेगा, वही मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई कैपेसिटर पे, कैपेसिटर पे क्या क्या है, बेसिक बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। चलो भाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, जैसे अगर किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को अगर चार्ज दिया जाता है तो उसी रेशियो में पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है, बहुत तामझाम नहीं, ठीक है। जिस रेशियो से चार्ज दिया जाता है उसी रेशियो से उसका पोटेंशियल, या ये कहा जाए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो चार्ज भी क्या होगा, उसी रेशियो से क्या है, इंक्रीज करेगा। और कैपेसिटर होता क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, ठीक है भाई। तो कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग क्या है, डिवाइस होता है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। तो ये क्या हो गया, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ये देखिएगा चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है। और किसी भी कंडक्टिंग सरफेस को अगर चार्ज दिया जाए तो वी पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज करता है, यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या Q इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है, सी वी, ये देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी, या कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी, ये देखिए कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई वी। इसकी जो यूनिट होती है देखिएगा कूलम पर बोल्ट होती है, या इसी को फैरड कहते हैं। जो डायमेंशन फार्मूला होता है कूलम का 80, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू वी क्या होता है, वर्क अपॉन, ये देखिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और डब्लू क्या हो गया, एम एल टू टी पावर माइनस टू, एम पावर माइनस वन एल पावर माइनस टू टी पे फोर ए का स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। तो फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, याद रखिएगा फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए हम इसको माइक्रो फैरड या स्टैट फैरड में, माइक्रो फैरड या क्या पीको फैरड में हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को यूज करते हैं। तो पहली चीज क्या याद रखेंगे, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये परिभाषा याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ये देखिए कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ये देखिए ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज यहां रखा गया है, तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका रेडियस कितना दिया गया है, आर दिया गया है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा सी इक्वल टू 4πε0r होगा। और मीडियम में अगर ये होगा किसी मीडियम में तो 4πε0k इंटू आर होगा, ये ध्यान देना अगर किसी मीडियम में होगा तो, ठीक है। कैपेसिटेंस अर्थ भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, ये देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस, तो
तो ये देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 4πε0 क्या होता है 1/9 × 10.9, और रेडियस कितना होगा 6.4 × 10⁶, ये करीब 711 माइक्रोफेरेड होता है। देखिए 711 माइक्रोफेरेड होता है, ये कैपेसिटेंस हो गया 711 माइक्रोफेरेड होता है। तो ये कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ पृथ्वी का ये कैपेसिटेंस हो गया। और देखिए फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, अगर मान लीजिए एक फेरेड का स्फीयर हम अगर मानते हैं कैपेसिटेंस में, तो ये इतना बड़ा है कि इसको हम पृथ्वी पे भी नहीं रख सकते हैं। तो साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर, ये देखिए साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर, तो ये देखिए वन फेरेड कैपेसिटर की साइज क्या होती है, साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर, देखिए साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर, एक फेरेड कैपेसिटर की साइज क्या होती है, इसको जरा देख लीजिए साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर। तो ये देखिए C इक्वल टू 4πε0 R, C वन हो गया, ये 1/9 × 10⁹ हो गया, ये R हो गया, R इक्वल टू 9 × 10⁹, देख रहे हैं कितना रेडियस बड़ा होगा, देख रहे हो कितना रेडियस होगा, ये पृथ्वी का भी 10⁻³ टाइम्स बड़ा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या है पृथ्वी पे भी रख नहीं सकते हैं, अर्थ पे भी इसको रख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर हो गया, ये देखिए वन फेरेड कैपेसिटर की ये साइज हो गई, साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर R इक्वल टू 9 × 10⁹ क्या मीटर, ठीक है, R इक्वल टू 9 × 10⁹ मीटर, ये साइज ऑफ वन फेरेड कैपेसिटर हो गया। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, ये तो हो गया इसका वन फेरेड कैपेसिटर का हो गया, अब चलो देखते हैं इसी में आगे क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये देखिएगा एक और बात थोड़ा देख लीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर अर्थिंग कर दी जाए, अर्थिंग, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ये भी बहुत आता है। देखिए ये कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी हमने अर्थिंग कर दी, तो अर्थिंग करने का मतलब इसका पोटेंशियल क्या हो गया, बोलिए अर्थिंग करने का मतलब इसका पोटेंशियल जो हो गया वह जीरो हो गया, बोलो भाई ये तो हो गया, अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं तो अर्थिंग करने का मतलब इसका जो पोटेंशियल हो गया वह जीरो हो गया, और अगर इसका पोटेंशियल जीरो हो गया तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये देखिए इसका कैपेसिटेंस जो हो गया सी इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब आइए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जैसे देखो बेटा ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हम लोग बैटरी से जोड़ रहे हैं, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, इस कैपेसिटर को हमने बैटरी से क्या किया जोड़ दिया, देखिए इस कैपेसिटर को मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ये कैपेसिटर है इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, तो अगर इस कैपेसिटर को हम बैटरी से जोड़ दे रहे हैं तो ये देखिए एनर्जी गिवन बाई बैटरी कितना हो गया, ये देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, और ये जो चार्ज दे रहा है वह क्यों दे रहा है, तो एनर्जी गिवन बाई बैटरी, देखिएगा भाई एनर्जी, ठीक है, गिवन बाई ये क्या हो गया बैटरी, एनर्जी गिवन बाई बैटरी कितना हो गया क्यू भी हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा इस एनर्जी का 50% कैपेसिटर में स्टोर होता है, 50% कैपेसिटर में स्टोर होता है, और 50% क्या हो जाता है लॉस कर जाता है, यानी क्या कहने का मतलब है 50% ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, और रिमेनिंग 50% लॉस थ्रू कनेक्टिंग वायर, ठीक है। देखिए 50% ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड रिमेनिंग 50% देखिएगा रिमेनिंग 50% लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनसे रिमेनिंग 50% क्या हो जाता है लॉस हो जाता है, रिमेनिंग 50% लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर, ठीक है। तो 50% ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में स्टोर होता है, और यह जो एनर्जी होती है हाफ क्यू बी होती है, और ये जो एनर्जी होती है इक्वल टू हाफ क्यू बी होती है, देखिए ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अब क्या हो गया यू इक्वल टू देखिए हाफ क्यू बी हो गया, हाफ सी बी स्क्वायर हो गया, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी,
इन तीनों फॉर्म में एनर्जी जो है वह स्टोर रहती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी गिवन बाय बैटरी, जो एनर्जी देता है बैटरी उसका आधा ही कैपेसिटर में जो है वह स्टोर होता है, केवल 50% ही कैपेसिटर में स्टोर होता है, और रिमेनिंग 50% क्या होता है, लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स। रिमेनिंग 50% जो है लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनसे क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है भाई, तो रिमेनिंग 50% लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग 50% लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनसे रिमेनिंग 50% क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां ध्यान दो, अगर किसी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 से V2 तक इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क डन कितना होता है। ठीक है, तो यहां देखना है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज फ्रॉम V1 to V2, इंक्रीज फ्रॉम V1 to V2, फाइंड वर्क डन, आपको वर्क डन फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्क डन होता है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज फ्रॉम V1 to V2, फाइंड वर्क डन, वर्क डन जो होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन जो होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या W = ½ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होगा, ये देखिएगा, यानी वर्क डन W = ½ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये वर्क डन होगा किसी भी कैपेसिटर के अंदर। तो देखिए इस तरह से हमने वर्क डन तो देख लिया कि अगर V1 से V2 तक इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क डन W = ½ C V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन एनर्जी क्या होती है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वह लॉस करती है थ्रू कनेक्टिंग वायर्स। तो व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड टू ईच अदर, याद रखिएगा, व्हेन कैपेसिटर, क्या कहने का मतलब है, व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्टेड टू ईच अदर, व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन टोटल चार्ज कंजर्व, क्या होता है, टोटल चार्ज कंजर्व्ड, देखिएगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड टू ईच अदर टोटल चार्ज कंजर्व। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस थ्रू कनेक्टिंग वायर, लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर, यानी क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है कि व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो टोटल चार्ज कंजर्व होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस थ्रू द कनेक्टिंग वायर, जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता है, इसको ध्यान देना। ठीक है भाई, अब इसमें शेयरिंग ऑफ चार्ज को मैं पहले ही बता दिया हूं, ये देखिएगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज मतलब अगर शेयरिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर ये कनेक्ट हैं, ये देखिए ये कैपेसिटर है, ये Q1 है, इसका रेडियस R1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटर C1 है, और ये जो कैपेसिटर है इसका क्या है, Q2 है, C2 है, V2 है, रेडियस R2 है। तो याद रखिएगा, अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक से दूसरे पे चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में समान ना हो, एक से दूसरे पे चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में समान ना हो जाए, मतलब एक से दूसरे पे चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या है, समान ना हो जाए। बस समझ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं, तो एक से दूसरे पे तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या है, समान
न हो जाए, ये ध्यान रहे। तो ये C1 दिया है, Q1 दिया है, V1 दिया, Q2 दिया, C2 दिया, V2 दिया, R2 दिया। मान लीजिए इनको हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपस में कनेक्ट किया, चार्ज का फ्लो होता कैसे है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये देखिए ये Q1 डैश हो गया, ये C1 हो गया, ये V हो गया, ये Q2 डैश हो गया, ये C2 हो गया, ये V हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब देखिए पोटेंशियल दोनों का आपस में समान हो जाएगा, Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 डैश की वैल्यू, Q1 डैश की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी, Q1 प्लस Q2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिएगा Q2 डैश की वैल्यू होगी, यानी Q1 डैश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इंटू, देखिएगा Q1 प्लस Q2 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, और Q2 डैश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये अगर कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इस तरह से ये चार्ज की शेयरिंग होगी, चार्ज की क्या, शेयरिंग होगी। अब इसी पे देख लिया जाए कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल ध्यान दीजिएगा, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा इसको जरा देखते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो चलो भाई कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल में देखिए दो तरह की चीजें आएंगी, क्या होगा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो कैपेसिटर को अगर आपस में कनेक्ट किया जाए तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, अब उसमें दो तरह की चीजें आएंगी, एक सेम पोलैरिटी आएगी और एक आएगी अपोजिट पोलैरिटी। तो चलो भाई जरा देखते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, एक आएगा सेम पोलैरिटी, ठीक है, सेम पोलैरिटी, और एक आएगा अपोजिट पोलैरिटी। देखिएगा एक सेम पोलैरिटी आएगा, एक अपोजिट पोलैरिटी आएगा। सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है, सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है, जैसे कैपेसिटर को कहीं से, ये देखिए कैपेसिटर को कहीं से चार्ज करके ला रहे हैं, ये C1 है, इस पर पोटेंशियल V1 है, और ये कैपेसिटर इसको कहीं से चार्ज करके ला रहे हैं, इस पर C2 है और पोटेंशियल V2 है। अपोजिट पोलैरिटी में क्या है, इसको कहीं से चार्ज करके ला रहे हैं, ये जो है ये C1 है और ये V1 है, और ये जो है ये C2 है और ये क्या है, V2 है। ध्यान देना भाई, कहीं से चार्ज करके हम ला रहे हैं, ये देखिए ये कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल क्या है, V2 है। इस तरह से हम चार्ज करके इसको ला रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इनको आपस में अगर कनेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा इनको आपस में अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम पोलैरिटी का मतलब ऐसे, ये देखो ये हो गया सेम पोलैरिटी, इसको कहते हैं सेम पोलैरिटी, मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस, अगर प्लस प्लस ऐसे अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो तो इनका कॉमन पोटेंशियल, सीरीज में क्या होता है उसके लिए भी हम बताएंगे सीरीज में क्या करेंगे। तो ये देखो इनका कॉमन पोटेंशियल V, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ऐसे ही सेम कोलिजन में भी चलता है, और ऐसे ही सेम रोटेशनल मोशन में भी चलता है, कोलिजन में अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में अगर आते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में और आके कंबाइन कर जाते हैं तो उनका कॉमन पोटेंशियल M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस क्या, M2 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए अपोजिट पोलैरिटी का मतलब, अपोजिट पोलैरिटी का मतलब ये प्लस दिया है, ये माइनस दिया है, और ये देखो ये क्या दिया है, ये ऐसे ही माइनस दिया है प्लस दिया है, ये देखिएगा आपस में प्लस माइनस कनेक्ट होता है। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब आपस में प्लस माइनस कनेक्ट होता है, तो अगर आपस में प्लस माइनस कनेक्ट होता है तो इसको अपोजिट पोलैरिटी कहते हैं, और अपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है, ये देखिए अपोजिट पोलैरिटी में जो V आता है, जो कॉमन पोटेंशियल आता है, यानी जो कॉमन पोटेंशियल आता है वह V इक्वल टू क्या होता है, C1 V1, देखिएगा C1 V1, C1 V1 डिफरेंस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 आता है, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना, कॉमन पोटेंशियल हो गया, अगर अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट होते हैं तो ये इनका कॉमन पोटेंशियल होता है। सिमिलरली लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है, देखिएगा सिमिलरली लॉस ऑफ एनर्जी, अगर सेम पोलैरिटी में कनेक्ट हो तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये देखिए लॉस ऑफ एनर्जी, अगर सेम पोलैरिटी में कनेक्ट हो तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, और अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट हो तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, हमने कहा कि एनर्जी लॉस करती है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू सेम पोलैरिटी में हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का क्या, होल स्क्वायर होता है, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर होता है, और यही अगर अपोजिट पोलैरिटी होता है, ध्यान देना, यही अगर अपोजिट पोलैरिटी होता है
तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है अपोजिट पोलैरिटी में? तो देखो भाई, अपोजिट पोलैरिटी में लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू और वी वन प्लस वी टू का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ये अपोजिट पोलैरिटी में लॉस ऑफ एनर्जी होती है, अपोजिट पोलैरिटी में ये लॉस ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है भाई, इस तरह से हो गया। अब इसमें एक कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि अगर कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ते हैं, कैपेसिटरों को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से लॉस ऑफ एनर्जी हम निकालते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से लॉस ऑफ एनर्जी हम क्या है निकालते हैं। अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देते हैं तो किस प्रकार से लॉस ऑफ एनर्जी आता है, जरा इसको भी देख ले, सॉरी कॉमन पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो देख लो, कॉमन पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या कहने का मतलब है, कॉमन पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए भाई, कॉमन पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कॉमन पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में अगर कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में अगर कनेक्ट होता है तो क्या हो जाए। आइए भाई सीरीज का देखते हैं। तो सीरीज में देखिए, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर आया, ये C1 है, ये V1 है, अब देखना इसमें कैसे करेंगे, ये C2 है, ये V2 है। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम अलग अलग इनका चार्ज निकाल लेते हैं। देखिए अलग अलग चार्ज ये Q1 हो गया, इसका अलग चार्ज ये Q2 हो गया, अलग अलग चार्ज हमने निकाल दिया, Q1 इक्वल टू C1 V1 हो गया और Q2 इक्वल टू C2 V2 हो गया। दही भाई, अलग अलग इनका चार्ज निकाल लिया, Q1 इक्वल टू C1 V1 हो गया, Q2 इक्वल टू C2 V2 हो गया, ये अलग चार्ज निकाल लिया। अब देखेंगे इन दोनों में जो सबसे कम चार्ज हो, इन दोनों में जो सबसे कम चार्ज होगा, सबसे कम चार्ज होगा उसको ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों में जो सबसे कम चार्ज होगा उसको ले लेते हैं, याद रखिए, इन दोनों में जो सबसे कम चार्ज होगा उसको ले लेते हैं, इन दोनों में जो सबसे कम चार्ज है उसको हम ले लेते हैं, इन दोनों में जो सबसे कम चार्ज है उसको हम ले लेते हैं भाई। Q1 और Q2 में कोई तो ऐसा होगा जो सबसे कम होगा, बोलो भाई यस या नो, होगा कि नहीं। तो Q1 मान लो, माना Q1 चार्ज कम है, माना Q1 चार्ज कम है, ये देखिए पहला स्टेप है। दूसरे में फिर फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, देखिएगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज का मतलब 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। ये देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू, 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। ये देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस सी टू। और ये देखिए तीसरा कंडीशन, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, कॉमन पोटेंशियल क्यू लेस, और ये देखिएगा सी एस, यही कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है भाई, तो ये कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इतना इसको ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटर की मैंने शुरुआत कर दी है, अब नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ये सब आपको बताएंगे। गूगल ड्राइव पे आपको क्या होगा, शीट मिल जाएंगी, दो शीट होंगी, दोनों शीटों को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, एक दो दिन में लाइव आना शुरू कर देंगे, तो सारे डिस्कस कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।